ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू काम मोटो व्लॉगिंग वीडियो। तो मैं आया हुआ था, भूख लगी हुई, दुकान वाना खा ली, अब हम चलते हैं यहाँ से और जुड़ जाओ, देखते अभी। और मैं वैसे अभी घर ही जा रहा हूँ, तो अभी घर जाते जाते देखते हैं क्या मिलता है। सो ऑलराइट गाइस, अब हम निकलने लगे हैं भाई यहाँ से। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सीट बेल्ट नहीं लगाई यार मैंने, जिसका मतलब ये कि गाड़ी ने बीप पे बीप मारते जाना। चलो भाई निकलते हैं अभी यहाँ से। बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं ना कि गर्मी हो रही है, वो वाला सीन है बहुत ज़्यादा। आपको मैं सुबह जब मैं निकला था तो 40 डिग्री बता रही थी गाड़ी, मैंने बोला था 42 के आसपास होगा, अब गाड़ी खुद 41 डिग्री सेल्सियस बता रही है टेम्परेचर। ओ भाई साहब क्या होगा। मैं कहता हूँ यार, तुम डीफॉरेस्टेशन करते जा रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, एक टाइम पे तो ऐसा आ जाना है कि मतलब इम्पॉसिबल भाई, बाहर निकलना इम्पॉसिबल। फिर तो बस वही सीन हो जानी है कि बाहर भी तुम्हें मतलब किसी इस तरह से निकलना होगा कि जो ये जो सन है इसका इफेक्ट ना पड़े। जैसे अभी मैं कार के अंदर बैठा हूँ, ऐसे कोई शेडो टाइप कुछ लेकर, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो यार काम ही बड़ा खराब हो गया। चलो ये भी यहाँ से भी हम लेते हैं मोड़। ओहो गाड़ियाँ आ गई भाई, निकाल लो। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये मैं इन सिटी आ चुका हूँ इस वक्त, जहाँ पर कोई भी कहीं से भी कैसे भी निकल जाता है भाई। भाई साहब, भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार, बहुत 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 ही ज्यादा गर्मी हो रही है। मतलब आप पीछे से हॉर्न बजा के क्या मिल जाएगा, ओए आगे तो मुझे क्लियर मिलने थे, उसके बाद ही मैं रेस पिकअप करूंगा ना। हॉर्न बजा रहा था, पता नहीं कहाँ पे है। अरे यार क्या सीन है, उस ऑटो वाले का दिल तो मेरा ये कर रहा है कि मैं साइड से निकाल लूं। छोड़ यार, निकाल ही साइड से। लाइफ में कभी भी मतलब अगर तुम इंतजार लगे ना करने, तो बस इंतजार ही करते रह जाओगे, यही वो मेन सीन है। निकलो आगे, कहाँ पीछे थे हम, आगे आगे। चलो अभी हम यहाँ से निकाल लिए, मतलब यार मैं ना आप सबको एक चीज कहना चाहता हूँ। देखो गाड़ी एक इस तरह की चीज है जिसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में ना बहुत कम टाइम लगता है, मतलब इसको स्पीड को पिकअप करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप इतने पास से हो, आपको ऐसे लग रहा है कि अच्छा कार स्लो आ रही है, तो आप रोड क्रॉस करना स्टार्ट हो जाते हो। तो मैं लिटरली सच बता रहा हूँ, गाड़ी कैसे स्पीड पकड़ लेगी अगर पता नहीं लगना, तो थोड़ा वो देख के रोड क्रॉस किया करो यार। अब जैसे आपने आगे देखी होगी क्लिप, वो अंकल चाय वाले जो भी क्रॉस करके गए, तो वो फायदा थोड़ी है कोई। सो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं भाई। मैं 11 बजे निकला था, 12:30 हो गए है ना, लेट चलो इसलिए हो गए क्योंकि मैं खाने पीने के लिए बैठ गया था वहाँ पे, लेट तो इसलिए हो गए, नहीं तो अप्रोक्सीमेट 1 घंटे में मैंने पहुँच ही जाना था घर पे। ओ भाई यार क्या क्या सीन है, ट्रैफिक का भी इसकी आँख बहुत ही खतरनाक वाला सीन है यार। क्या बात है, इन सिटी का यही सीन होता है भाई। क्रेटा
तो अभी हम जो हैं ओ भाई साहब तो यार मुझे जल्द से जल्द यार मतलब वहाँ पे निकलना है यार, रूट पे निकलना है। मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ यार, मैं ट्रैवल करने के साथ साथ अपना काम करना चाहता हूँ, पर पता नहीं ये चीज़ कब सक्सेसफुल होगी। पर सक्सेसफुल करनी पड़नी है, होनी तो है नहीं, ये तो हमको मालूम ही है भाई। ज़िंदगी में कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। क्यों गाइस, अगर ये बात मैंने सही बोले तो कमेंट में बोलना यस एकदम सही बोला। PP06 जो नंबर है ये गुरदासपुर का है। गुरदासपुर जिले का PP65 मोहाली। इंडिया लार्जेस्ट ब्लू पब चेन नाउ इन पठानकोट, मतलब एक चेन रेस्टोरेंट की भी एक चेन ही होती है। इधर खोला तो कहीं उधर खोला है ना। तो ठीक है गाइस, ऑल राइट, अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। चल दिन बाय बाय, लव यू ऑल, क्योंकि अब बस मैं घर पहुंच ही गया हूँ लगभग। तो ऑल राइट गाइस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। चल दिन बाय बाय, लव यू ऑल। Thank you.